एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आज के दिन हमारा ईद का तीसरा दिन चल रहा है और मैं जाने लगी हूँ बॉम्बे ड्रीम्स। हम लोग ने लंच पे जाना है और उसके लिए भी मैं आई हूँ सेंट्रल। यहाँ से भी वॉक करके जाना है रेस्टोरेंट तक, तो लेट्स गो। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पर और यहाँ पर रश भी अच्छा खासा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, सेंट्रल में ना आके वाइब भी अलग होती है बिल्कुल, इतना ज़्यादा रश है। ये देखें, हांगकांग में भी टोनियन गए है। चलो, तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। ये देखें, हम आ गए बॉम्बे ड्रीम्स पे और इसका जो बफे लंच है हम लोग ये करने के लिए आए हैं, तो लेट्स वॉक। ओह, मैंने देखा ही नहीं कौन से फ्लोर पे जाना है। क्या लिखा है? फर्स्ट फ्लोर। ओके, दोनों दबा देती हूँ, शायद ये वाली करी आएगी। ओके, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है और आप लोगों ने ईद के तीन दिन क्या किया। ईद का सेकंड डे मेरा बहुत बोरिंग था, थर्ड डे हम लोग लंच पे आ गए और फर्स्ट डे तो मैंने घर पे गुजारा था। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो लास्ट में देखिएगा। मेरी लिफ्ट आती है, अल्लाह कितनी गंदी सी लिफ्ट है। हांगकॉन्ग में ना वैसे बहुत अच्छी अच्छी लिफ्ट होती हैं, प्यारी प्यारी, ये थोड़ी गंदी सी है। खुल जा सिम सिम। ओके, सो आई एम एट द रेस्टोरेंट और इसका इतना प्यारा अंदर का एम्बियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो भूख लग रही है, लेट्स हैव समथिंग। वाओ, अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस खाने में क्या हैं, ये देखें, दाल है, सब्जी है, ये बेबी टोमेटोज का कुछ सालन लग रहा है, क्या लिखा हुआ है, लौकी टमाटर, अच्छा लौकी टमाटर है, ये पालक पनीर है, ये पुलाव है और ये है लैम्ब, इसके अलावा ये है चिकन के साथ में सैलड्स। ओके, लेट्स टेक अ प्लेट। तो मैं अपनी प्लेट बना के ले आई हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त गोल गोल पकोड़े हैं, क्रिस्पी लग रहे हैं और ये मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाली हैं, फिर जब जैसे जो अच्छी लगेगी वो फिर मैं और निकाल लूँगी। अच्छा, कैमरा कहीं सेट कर लेती हूँ। इतने अच्छे पकोड़े लग रहे हैं। अब चिकन फ्राई करने लगी हूँ। अब आ गई है मेरी मैंगो लस्सी, मज़ेदार, अच्छी है, थोड़ी थोड़ी खट्टी है पर अच्छी है। अभी आ गया है डोसा, इसको भी ट्राई करते हैं। डोसा इज लवली, मज़े गए, सिंपल, आलू की फिलिंग है इस डोसे के अंदर, देखें, और क्रिस्पी है बाहर से बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पहली दफ़ा आई थी ना, तो लास्ट ईयर रमज़ान से एक दिन पहले आई थी, आई स्टिल रिमेंबर। उस टाइम पे काफ़ी सारे आइटम्स थे, द फूड वाज वार्म और मीठा भी बड़े अच्छे अच्छे उसमें केक्स वगैरह थे। तो इस दफ़ा कुछ खास नहीं है, मुझे खाना भी इतना कोई खास अच्छा नहीं लगा। और ये देखें, मीठे के अंदर ये गुलाब जामुन है, थोड़ा सा गाजर का हलवा है और ये बर्फ़ी है, ये तो कोई ख़ास मज़े की नहीं लग रही। और साथ में ही मैं अभी एक फ़िश टिक्का लेके आई हूँ, ये ट्राई करती हूँ। और ये जो है ना, क्या कहते हैं, लस्सी, मैंगो लस्सी, ये भी थोड़ी खट्टी खट्टी है। तो हमने खाना खा लिया और अभी हम लोग जो है नीचे जा रहे हैं वापस से। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतरते वक्त जाती हैं। किधर है, यहाँ पे जाना है हमने, सिग्नल बंद है। वो जो नीचे जा रही है ना, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, ये नीचे वाली, वहाँ पे हमने जाना है उतर के। मैं भी शॉप पे आई हूँ शॉपिंग करने के लिए और ये मुझे कुछ कह रही है। What are you saying? ये मुझे कह रही है आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं। थैंक यू।
तो गाइस मैंने लेनी थी सब्जी और मैं रास्ते में टाइपो मार्केट उतर गई थी, और उसके अलावा मैंने इतने ज़्यादा आलू प्याज टमाटर ले लिए हैं कि अभी मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे। मेरा बात मजाक उड़ाता है कि मैंने हर जगह बुढ़ी अम्माओं की तरह जो है ना वो ट्रॉली पकड़ी होती है, लेकिन वो इतनी आसानी होती है ना, उससे कुछ उठाना नहीं पड़ता। और मैं जब से हांगकांग आई हूँ मुझे आदत हो गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने गो आउट तो मेरे पास ट्रॉली होती है। आज मैं नहीं लेकर गई और मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वापसी पर सामान लेना था और अब मैं खुद उठा के ला रही होती हूँ मुश्किलों से। तो खैर ये था आज का व्लॉग छोटा सा। ये घर के पास आते ही ना मेरा दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि इतनी प्यारी ग्रीनरी है बिल्कुल बाहर ही दरवाजे के।